हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। लास्ट दो ब्लॉग को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, तो आई थॉट कि क्यों ना इसको कंटिन्यू रखा जाए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज या कुछ ऐसा कुछ नया हो तो उसके ब्लॉग्स में डालते रहूँ या नहीं। और आज होलिका दहन है, कल होली है, उसके भी ब्लॉग जल्दी डालूंगा। बाकी सारे जो अपडेट है वो देते रहूँगा वीडियो में आगे, तो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आगे। गोइंग फॉर अनदर लैब सेशन जो 2 बजे से है, और यहाँ पे पूरी तैयारी चालू है होली की। सी, और भी चीज़ें जैसे जैसे इवनिंग तक और भी तैयारी हो जाएगी, आई शो यू इन दैट। मिलते हैं लैब में, दिखाता हूँ आज लैब भी कैसा है हमारा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग देयर, आई एम विजिटिंग देयर। ठीक है, मिलते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ हॉस्टल 17, एग्जैक्टली लाइक हॉस्टल 18। यहाँ पे अपना हॉस्टल 18 का रूट मे बी ये जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं अपने दोस्तों का आने का। काम करते हुए लोग, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा है जीवन में, यही सुख आ रहा है। चलो चलो वापस अलाइन करते हैं इसको शुरू से। तो फाइनली लैब सेशन फिनिश हो चुका है, जा रहे हैं अभी अपने हॉस्टल क्योंकि फिर 2 घंटे बाद एक लेक्चर है, और देखते हैं होली का दहन और होली की क्या तैयारी है। सो दिस इज़ हॉस्टल नंबर 9, जहाँ पे अपना खुद का 10 डेज का फेस्ट चल रहा है। यू कैन सी है बहुत सारे अलग अलग गेम रोज़े खेलते हैं 10 दिन तक, इनका अपना खुद का अलग फेस्ट चल रहा है पूरे कॉलेज से। सो ये रहा हमारा हॉस्टल 12, 13 एंड 14। सारे कैंपस का जो होली सेलिब्रेशन है वो यहीं पर होने वाला है। सी, तैयारियाँ चल रही है। नाइस नाइस नाइस। आज रात को होली का दहन भी होने वाला है, पीछे ग्राउंड की तरफ वो भी दिखाता हूँ। इतना कलरफुल करने वाले, डीजे म्यूजिक एवरीथिंग विल बी देयर। दिस इज हॉस्टल 12, क्राउन ऑफ द कैंपस। सी, और यहाँ से है इसकी एंट्री मेन। दिस इज विंग बी, दिस इज माई विंग ए। सो ये हमारे विंग का गार्डन, एंड चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही होलिका दहन की। वाओ, नाइस नाइस। आगे अपने रूम पे, जस्ट अभी पता चला है कि IIT जैम का रिज़ल्ट उन्होंने वक्त से पहले रिलीज़ कर दिया है। फटाफट जाते हैं, चेक करते हैं बाकी लोगों का क्या रिज़ल्ट आया है। अपने ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका इस बार अच्छा है, फटाफट। रेडी फॉर द जिम, फटाफट जाते हैं, आधे घंटे का सेशन हिट करते हैं क्योंकि 7 बजे से प्रोग्रामिंग का क्लास है। तो मैं आज वो लैब भी दिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग का हमारा लैब कैसे चलता है। सो ये आ गया हमारा कॉमन रूम। ओ नाइस, दिस इज कॉमन गेमिंग रूम, टीवी रूम, जिम, एवरीथिंग इज देयर, कंप्यूटर रूम, और भी बहुत कुछ है। और यहाँ से बाकी का विंग दिखता है हॉस्टल का। लेट मी शो यू द जिम। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट हाँ इनफ है सिर्फ S12, S13, S14 वालों के लिए ही है। लेट्स डू इट। सो जिम इज डन, फटाफट चलते हैं, लेट हो गया। 7 बजे से लेक्चर है, उसमें लेट नहीं पहुंचना है। चलो आनंद भाई फटाफट।
क्या तैयारी चल रही है वहाँ रेडी फॉर द क्लास, चलते हैं फटाफट। सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है और बहुत दूर जाना है। फटाफट मैं आप लोग को रास्ता दिखाता हूँ, लैब भी दिखाऊंगा। चलो बाय। सो सेक्सी गाइस, यहाँ जाना है। हाँ भाई, यहाँ यहाँ सो वी हैव अ स्पेशल डिनर आज की रात, होलिका दहन की रात। एंड सी म्यूजिक सिस्टम वगैरह सबका क्या बंदोबस्त किया है, वेज नॉन वेज एवरीथिंग। हम अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं धीरज। रात के बच चुके हैं 10, सारे लेक्चर्स फिनिश होने के बाद 9 बजे तक, डिनर उनर करने के बाद जब मैं आया ग्राउंड में कि यहाँ पर होलिका दहन होगी, मुझे एक्चुअली टाइमिंग का नहीं पता था और पूरे तरीके से जल चुका है। दिखाता हूँ, सी जो शाम को प्रिपरेशन चल रही थी वो लगता है 8-8:30 बजे तक ये सब ख़त्म हो गया। एंड नाउ आई एम वेरी सैड, पूरी तरीके से जल गई और कुछ भी देखने नहीं मिला लेक्चर की वजह से। चलो कोई नहीं, कल होली का व्लॉग बहुत अच्छे से शूट करूँगा, होली का व्लॉग ज़रूर देखना। चलो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।